दुनिया भर में कोरोना का खतरा गहरा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना को लेकर जताई चिंता, घोषित किया महामारी। देश में 60 तक पहुंचा कोरोना वायरस के पॉजिटिव केस, 11 राज्यों में सबसे ज्यादा केरल में पीड़ित मरीज। सरकार का बड़ा फैसला, फ्रांस, जर्मनी और स्पेन समेत 7 देशों के नागरिकों की यात्रा पर 15 अप्रैल तक सरकार ने लगाई रोक। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन की अपील, गैर जरूरी विदेश दौरे से बचे भारतीय, विदेश गए और लौटे तो 14 दिनों तक रखा जा सकता है अलग। दिल्ली के झुलावा इलाके में आईटीबीपी कैंप में 112 लोग कोरोना के संक्रमण के संदिग्ध, आज आएगा फाइनल जांच रिपोर्ट। दिल्ली हिंसा पर आज राज्यसभा में बयान देंगे गृहमंत्री, बीजेपी ने अपने सांसदों को जारी किया व्हिप। कल लोकसभा में शाह बोले, एक सुनियोजित साजिश के तहत हुए दंगे। मेरा नाम लिए सोनिया गांधी पर शाह का निशाना, घर से बाहर निकलो आर पार की लड़ाई वाले बयान का हवाला। लोकसभा में कल शाह ने कहा, आगजनी करने वालों की संपत्ति होगी जब्त। गृहमंत्री के जवाब के दौरान कांग्रेस सांसद कार्रवाई छोड़कर सदन से बाहर निकले, अधीर रंजन बोले, अभी भी सरकार गुमराह कर रहे हैं। ओवैसी ने शाह के बयान पर जताई निराशा, कहा यकीन हो गया कि गृहमंत्री के बयान के बाद किसी भी मृतक के परिजनों को इंसाफ नहीं मिलेगा। बीजेपी में शामिल होते सिंधिया को मिला इनाम, बीजेपी ने मध्य प्रदेश से बनाया राज्यसभा उम्मीदवार, कल भरेंगे नामांकन। बीजेपी में शामिल होने के बाद पहली बार भोपाल पहुंचेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया, पार्टी दफ्तर में भव्य स्वागत की तैयारी। बीजेपी में शामिल होते ही कांग्रेस पर बरसे ज्योतिरादित्य, कहा यह पहले वाली कांग्रेस नहीं रही। मध्य प्रदेश में सियासी हलचल तेज, जयपुर पहुंचे कांग्रेस के 83 विधायक, 3 निर्दलीय भी रिजॉर्ट में मौजूद। एमपी के बागी कांग्रेसी विधायकों ने जारी किया वीडियो, ज्योतिरादित्य को पूर्ण समर्थन का दोहराया वादा। मध्य प्रदेश के सियासी संकट को लेकर दिल्ली में यूथ कांग्रेस ने किया प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ बोला हमला। आज राज्यसभा के चुनाव के लिए कांग्रेस अपने उम्मीदवारों का कर सकती है ऐलान, 55 सीटों के लिए नामांकन का कल आखिरी दिन। बीजेपी ने राज्यसभा के लिए अपने 9 उम्मीदवारों के नाम का किया ऐलान, बिहार से विवेक ठाकुर को टिकट। पोस्टर मामले में यूपी सरकार की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, हाईकोर्ट के फैसले को दी गई है चुनौती। हिंसा के आरोपी ताहिर हुसैन पर अब मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज, पुलिस से रिहा होते गिरफ्तार करने की तैयारी में ईडी। राणा कपूर के कई संपत्तियों की ईडी ने की पहचान, दिल्ली मुंबई समेत विदेशों में भी संपत्ति के खरीदने का खुलासा। कुल्लू में दिखा बर्फबारी का अद्भुत नजारा, सुलंग नाला इलाका सफेद चादर से ढका। मंडी में मौसम ने फिर ली करवट, कई इलाकों में बारिश, आज और कल 2 दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट। आज भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच धर्मशाला में पहला वनडे मैच, 3 मैचों की है सीरीज। दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा मैच, टीम में शिखर धवन, हार्दिक पांड्या और भुवनेश्वर कुमार की वापसी।